नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं नए तरीके से। तो इस रेसिपी का तो बहुत लोग खाए होंगे, पर हम अलग तरीके से बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए दिखाती हूँ क्या बनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आज हम ये अरबी के पत्ता का आसान तरीके से वो सेहड़ा यहाँ पर बोलते हैं, तो शहर में इसको पतौड़े बोलते हैं, तो इसी तरह किस तरह बनाऊंगी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इसमें डालने के लिए हमने ली हूँ हरी धनिया है और हरा मिर्च है और लहसुन है। इसमें प्याज नहीं डालूंगी। तो दोस्तों, आप थोड़ी सी अदरक है, इसको पहले पीस लूँगी तो फिर बना के आप लोग दिखाती हूँ किस तरह बनता है। वीडियो हमारे बने रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास मिक्सी नहीं है, तो जो भी रेसिपी बनाऊंगी सिल पे मसाला पीस के बनाऊंगी। तो इसी तरह आप लोग देखिएगा ज़रूर किस तरह हम बनाती हूँ। तो हरी मिर्च ले लेती हूँ, दोस्तों हरी मिर्च को काट लेती हूँ, इसी में काट के तो पीसूंगी, नहीं तो नहीं पीसा जाएगा जल्दी से, तो बड़ा बड़ा रह जाएगा उस तरह, तो काट के इसको पीसूंगी। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि मिर्ची ज़्यादा है, तो इसी में से थोड़ा सा मसाला हम कढ़ी के वास्ते निकालूंगी, तो इसलिए हमने हरी मिर्च ज़्यादा ली हूँ। ये ज़्यादा कड़वा नहीं है ये मिर्च। तो फ्रेंड्स, कढ़ी की रेसिपी अभी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, फिलहाल सिर्फ ये इस अरबी के पत्ते की ही जो रेसिपी है वही आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, अदरक को कोट लेती हूँ, तो इसका दोबारा पीस लेती हूँ। एक बार हमने पीसा था तो नहीं, ये महीन नहीं हुआ था, तो दोबारा पीस लेती हूँ तो महीन हो जाएगा। दोस्तों, सारा मसाला पीस गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको इसी थाली में उठा लेती हूँ। आइए दोस्तों, इसमें मसाले को डाल लेती हूँ, सूखा मसाला। क्या क्या डालती हूँ तो दोस्तों, इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा से लाल मिर्च, तीखा के हिसाब आप लोग लीजिएगा, थोड़ा से हल्दी पाउडर आधा चम्मच। तो दोस्तों, इसमें गरम मसाला नहीं पड़ता है, इसलिए हमने गरम मसाला नहीं इसमें डाली हूँ। आप चाहे तो डाल सकते हैं, पर हम नहीं डालती हूँ इसमें। दोस्तों, स्वाद के हिसाब नमक डाल लेती हूँ, इसमें एक चम्मच से थोड़ा से ज़्यादा है, डेढ़ चम्मच नहीं डाली हूँ, एक चम्मच से थोड़ा से ज़्यादा। तो जितना आप बनाएंगी वही हिसाब से आप डालिएगा, तो जितना हमें बनाना है तो उसी हिसाब से हम डाल रही हूँ। इसमें डाल लेती हूँ बेसन, इसको अच्छे से मिला लेती हूँ पानी डाल के। दोस्तों देख लीजिए, अच्छे से इसको हमने फेंट लिया है, मसाले को, नमक को, इसको, बेसन को, ये अच्छे से फेंट गए। तो अब चल रही हूँ बनाने। दोस्तों, इसी थाली में बनाऊंगी पत्ते को रख के,
आप चाहें तो जिस तरह बनाना पसंद करती हैं बना सकते हैं, इसी तरह लगा लगा के बनाऊंगी। दोस्तों इसी तरह पत्ते को रख रख के इसमें लगा लेती हूँ पहले अच्छी तरह से हाथों हाथ के सहारे से। तो दोस्तों ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, अपने घर में ज़रूर इसे बनाकर ट्राई कीजिएगा और इस सिंपल तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। दोस्तों इस तरह जल्दी से बन जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो फ्रेंड्स जो हमारे चैनल पर नए हैं अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का ये रेसिपी। दोस्तों इसको सारे पत्ते में लगा ली हूँ बेसन को, तो अब चल रही है इसको लपेटनी। देख लीजिए अच्छी तरीके से लगा ली हूँ, देख लीजिए किस तरह लपेटती हूँ इसमें थाली में रख के। इस तरह हाथ के सहारे से लपेट लेंगे इसको। देख लीजिए दोस्तों कितने अच्छे तरीके से ये लपेट गया है। इसको इसी तरह मोड़ दूँगी, देख लीजिए साइड वाला, तो इस तरह मोड़ दूँगी जो यहाँ पर थाली में लगा, इसको इसी में डाल दूँगी इस तरह। दोस्तों बनके हमारा रेडी हो गया, इसको चल रही हूँ उबालने। दोस्तों इसमें हम करीब इस कढ़ाई में दो गिलास पानी डाली हूँ, तो किस तरह इसके से इसको उबालूँगी आप देख लीजिए। तो इसी में रख दूँगी थाली इस तरह करके रख दूँगी, तो इसको देख लीजिए मैं इसको दो भाग में कर लूँगी, इस तरह दो भागों में कर लूँगी इसको देख लीजिए। तो इसको इसी थाली पे रख दूँगी, आप जिस तरह उबालना पसंद करते हो उबाल सकते हैं, तो हम इसी तरह उबालती हूँ। तो इसको ढक के रख दूँगी दोस्तों, इसको अच्छी तरह से कवर कर दूँगी, देख लीजिए कहीं से इसको हवा नहीं निकलूगी, क्योंकि हवा निकलेगी तो जल्दी नहीं गलेगा। तो इस तरह बढ़िया जो बर्तन फिट बैठेगा उसी बर्तन से ढाँकूँगी। तो आप देख लीजिए ये आसान तरीका है बनाने का। देखिए दोस्तों अच्छे से गल रहा है, देख लीजिए ये अभी थोड़ी देर में गल जाएगा अच्छे से। तो अभी कच्चा है, थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं पकने के बाद। तो इसमें पानी नहीं लगता है, देखिए कितने बढ़िया से बन जाएगा। तो ये बाफ से जो पानी का बाफ निकलता है उसी से पकता है। देख लीजिए अच्छे से गल गया है, इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। अभी गर्म है तो इस तरह निकालूंगी, तो संभाल कर निकालिएगा दोस्तों। दोस्तों इसको हम निकाल के रख ली हूँ, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तो इसको काट के तल के दिखाऊंगी आपको, खाने में अच्छा लगता है। दोस्तों इसको अब ये ठंडा हो गया अच्छी तरीके से, इसको काट के तल लेते हैं। इसी तरीके से काटना है, तो आप चाहे छोटा बड़ा काट सकते हैं। इसको देख लीजिए इसको हमने अच्छी तरीके से काट ली, कर रही हूँ तलने। तो तवा पर तलूँगी, आप लोग चाहे कढ़ाई में तल सकते हैं। तो इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। थोड़ा सा तेल और डाल देती हूँ,
तो इसको पलट देती हूँ चाकू के सहारे से इस तरह से। तो देखिए दोस्तों कितने अच्छे से येलो फ्राई हो चुका है एक साइड से, अच्छा कलर आ गया है ऊपर। इसी तरह आप चाहे तो चिमटा से पलटा से किसी भी चीज़ से पलट सकते हैं, तो हम इसी तरह पलट गए हैं। देख लीजिए सुबह सुबह नाश्ते में, शाम को नाश्ते में खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, चाय के साथ चटनी के साथ भी अभी से खा सकते हैं। इसे इसी प्लेट में निकाल लेती हूँ। देख लीजिए कितना अच्छे से बन के रेडी हो गया है। इसे चाहे तो आप नाश्ता के तरीके से खा सकते हैं, चाहे उस तरह भी खा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा देख लीजिए ये सेंड़ा है, यहाँ पर सेंड़ा बोलते हैं, तो हमारे गांव में सेंड़े बोलते हैं, आप लोग वहाँ क्या बोलते हैं कमेंट जरूर करना। तो इसको शहर में पतोड़ा भी बोलते हैं, तो हमारा सेंड़ा पतोड़ा जो भी आप बोलते हैं बन के रेडी हो गया है, खाने के लिए आ जाइए। तो आप लोग देख लीजिएगा कितने आसान तरीके से हमने बनाया है। तो हमारी आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद बाय। तो दोस्तों देख लीजिए मम्मी ने कितने अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से इस पतोड़े को यानी सेंड़े के पाते से जो पकोड़े बनते हैं उसे बनाया है। तो आप लोग अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी आज की कैसी लगी। तो मिलते हैं इसी तरह अगली टेस्टी टेस्टी नई नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद।